दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। कार की गेट खोली तो गिरने लगे नोटों के बंडल, इतने करोड़ देखकर पुलिस भी चकरा गई। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस और आबकारी दलों की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। विधानसभा निर्वाचन की चेकिंग के दौरान जांच में लगी स्थैतिक निगरानी दल फ्लाइंग स्क्वाड दल द्वारा दुशुनपुर चेकपोस्ट में करोड़ों रुपए से भरे दो अलग अलग वाहनों को पकड़ा। पूछताछ के दौरान ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये पैसे किसके हैं और कहां से आए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि विधानसभा चुनावों में वोटरों को लुभाने के लिए इन पैसे का इस्तेमाल किया जाने वाले था। रायपुर से कवर्धा आ रही थी गाड़ियाँ, दोनों गाड़ी रायपुर से कवर्धा आ रही थी। टीम ने गाड़ी रोककर जांच की तो बड़ी रकम मिली। जांच के दौरान वाहन क्रमांक MP09CG4229 में 75 लाख रुपए और वाहन क्रमांक CG04JC9182 में 1,91,00,000 रुपए पाया गया। टीम की कार्रवाई की सूचना मिलते ही कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण ने व्यय टीम और इनकम टैक्स की टीम को चेक पोस्ट के लिए रवाना किया। जिले के व्यय नोडल अधिकारी कवर्धा विधानसभा की सहायक व्यय और इनकम टैक्स की टीम मौके पर पहुंचकर पूछताछ की। दस्तावेज की जांच की जा रही है, आयकर विभाग कर रही जांच। पूछताछ से पता चला कि 1,91,00,000 रुपए HDFC बैंक और 75 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा की बताई गई। निरीक्षण दल द्वारा अधूरे कागजात की स्थिति में पाए जाने पर संदेह की स्थिति होने पर नोडल व्यय प्रेक्षक के माध्यम से आयकर अधिकारी कवर्धा को सूचित किया। वहीं संबंधित वाहनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया गया।